यही वो घर है, प्रिंस का ये ससुराल है और प्रिंस का ये ससुराल है। ये बिजली का बोर्ड थोड़ा बहुत टूटा हुआ है, यानी टूटा फूटा सा है। इन लोगों का कहना है कि प्रिंस ने इसको तोड़ा था गुस्सा में। अच्छा, ये उनकी पत्नी है, देखिए ये वो महिला है जो प्रिंस की पत्नी है। और प्रिंस की कैसे मौत हुआ, क्या कुछ हुआ, कैसे आग लगाया, ये सब बात इनसे बेहतर और कोई नहीं जानता होगा। आप प्रिंस की पत्नी है जी। क्या नाम है आपका? गुंजा देवी। अच्छा गुंजा दी, आपको पता था कि प्रिंस जो घटना किया कैसे किया, आप देखे कैसे किया? हमरा नहीं पता रहे, सब हल्ला भले तो हम सब गलिये देख लिए, शाम के टाइम में 6 बजे तक। अच्छा आप कहाँ थे उस समय? घर में सुतल लिए, तबियत खराब रहे, रात मार के गले रहा, तबियत खराब रहे, हम सुतल लिए। उससे पहले आपको मारा पीटा भी था? 29 तारीख के रात में। आप थाना में आवेदन भी दिए थे? हाँ, सुबह 9 बजे। सुबह 9 बजे क्या हुआ था आपके साथ? वो मतलब गोली आने चले रहा, कल के गोली ला देवे बाराती फायर करे, तो हम छीन के देख ले लिए, ते खातिर हम मार लग के तो हमारे बड़की बहन रहे और दीदी छोड़ा दल के, तो रात में 12 बजे रात में भाग गले। फिर सुबह हमारे चाचियों को मार लग के छोड़ल के, हमारे चाची थे। फिर तब से 9 बजे सुबह हमें सब जाके केस कर दिले कि वैसे पहले हमारा मारे पिटेत रहे, तो हम केस कर दिले, जा केस कर दिले। फिर शाम के टाइम में वो अले, हमारा नहीं पता चले रहा, हल्ला भले आग लग 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 लग, हम सब गलिए दौड़ल देख लिए, तो दिन सब मुझे जाए गले लागले दरभंगा हॉस्पिटल में भर्ती के लिए। भर्ती क्या वहाँ से फिर हमारे साहब सब लड़े लागले रहता, हमारे पापा खाट की बीमारी छे, पापा खाट की बीमारी चले रहते, पापा के मतलब दर्द उखड़ गए छाती में, तो हम सब चल अलिए उनका माँ पापा लाके, माँ बहन रहे, लाके चल गए फिर पटना। पटना चल गए, परसों हम जाए थे देख, फिर नहीं गलिए खबर। जब आग लग गया था वो पूरी तरह से जल चुका था, जब उसको अस्पताल ले जा रहे थे तब आप थे साथ में? हाँ, हम चलिए राम दरभंगा तक साथ गलिए। साथ गए थे? दरभंगा से आप लोग पटना क्यों नहीं गए? हम नहीं गलिए रहा, से हम बेहोश भाग गलिए रहा, देख के बेहोश भाग गलिए, तो द्वार हम चले। उनके साथ कौन कौन गया था? ओके माँ रहे, बहन रहे, एक हमर भैंसुर चले रहा, से गेल चले। आपके परिवार से कोई लोग गया था ना? नहीं, कोई नहीं गया। हम दरभंगा से वापस आए। हाँ, पापा के दर्द भाग रहे लागले छाती में, तो चल अलिए हम बेहोश भाग गलिए। फिर हमारे सास सर लड़े लागले रहे, लड़े लागले, कल के चल हुआं हुआं चल मार देबो तोरो आर के। अच्छा अब प्रिंस इस दुनिया में नहीं है, प्रिंस की मौत हो चुकी है, पूरा गम पूरा गांव में मातम छाया हुआ है। आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग यहाँ आए होंगे, सब आपकी बातों को सुन रहे हैं, सब लोग आपको जान रहे हैं, प्रशासन जानना चाहता है घटना के बारे में। अच्छा आपको, आपके दिल पे क्या बीत रहा होगा इस वक्त? बहुत कुछ बीत रहा है, पर हम की कह सके, खुद खेल के हम की कह सके, यानी बहुत दुख हो रहा है। वो अपने कल के हम जान के नहीं कर लिए, अपने जान के कल। बच्चे हैं? बच्चे? हाँ। कितने बच्चे? एक ही बच्चे? हाँ। बच्चा कहाँ है? बच्चा साल का बच्चा, एक ही बच्चा है। अच्छा तो आप क्या कहेंगे, आपके पति अब इस दुनिया में नहीं रहे, बहुत दुख में है आप इस वक्त, क्योंकि शादी का माहौल था एकदम गम में बदल गया, पति की याद आती होगी आपको, क्या क्या लगता है कि अब आपके पति आप जिंदा नहीं रहे? बोलिए, घुरा ही नहीं बोलिए, लोग जानना चाहते हैं कि उनकी पत्नी किस स्थिति में है। बहुत, पत्नी बहुत खराब स्थिति गुजर रहा थी, पता नहीं हम कब चाहिए कब चल जब मिल सके, तबियत नहीं ठीक से। देखिए ये इनकी पत्नी है, काफी दुखी है, लड़की है, देखिए ये एक छोटी सी बच्ची है, नन्ही सी, और शायद इनको नहीं पता होगा कि मेरे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। इनके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं है, प्रिंस जो अब तक दुनिया में था, लेकिन इन बच्चे को क्या पता था कि मेरे पिताजी मुझसे इस तरह रूठ कर चले जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। प्रिंस की पत्नी है और इस वक्त अपने माँ बाप के घर पर है, गम में डूबी हुई है, इनके हाथों में चूड़ियां नहीं है, मांग में सिंदूर नहीं है। आप समझ गए होंगे कि इनका पूरा श्रृंगार उजड़ चुका है, पूरा घर उजड़ चुका है। ऐसी बच्ची है, बच्ची को लेकर अपने साथ जिएंगी मरेगी, लेकिन आगे क्या कुछ करेंगे, इनके आंख में आंसू है और इस आंसुओं के से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं प्रिंस के मौत का दुख इनको भी है, ये महिला को भी दुख है। इनको इसलिए दुख है क्योंकि कोई भी पत्नी अपने पति को नहीं मारेगी, कोई भी पत्नी विधवा होना नहीं चाहेगी, दुनिया की कोई भी महिला या कोई भी बाप अपने बेटी को अपनी आंखों के सामने विधवा होते नहीं देखना चाहेंगे। जैसा कि इनके ससुराल वाले आरोप लगा रहे थे कि मेरी बेटी मेरे बहू जो है
और उनके ससुराल वाले मेरे बेटे की हत्या कर दिया है, निर्मम तरीके से आग में जला दिया है। लेकिन यहाँ आने के बाद सब कुछ स्पष्ट है, इनके आंखों का आंसू और ये सब कुछ हालात देखकर इस बात की बयां कर रही है कि कहीं ना कहीं ये भी इस गम में डूबी हुई है। इनकी छोटी बहन है, आप छोटी बहन है, देखिए सबके आंख में आंसू है। इनके आप कौन है? चाचा है, देखिए चाचा है और कहीं ना कहीं इनके चेहरे पर भी वो मायूसी है। आप तस्वीर देखिए, थोड़ा दूर से दिखाइए, देखिए इनके चाचा के चेहरे पर भी वो मायूसी है, वो गम है इस बात को लेकर कि अब मेरी जो भतीजी है वो अब विधवा हो गई है, अब इनको कौन देखेगा। इनको शांत कीजिए, इनकी बहन आएगी, इनको थोड़ा देखिए, छोटा बच्चा, उनको कुछ नहीं पता, उनको ये भी नहीं पता कि मेरे पिताजी अब हैं इस दुनिया में या नहीं है। देखिए आंगन में भीड़ कितना है, आपकी आंखों में आंसू, देखिए इनकी आंखों में भी आंसू है। थोड़ा बाहर आ जाइए, इधर महिला सब बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है। देखिए इनके आंखों में भी आंसू है और आंसुओं का कतार लगा हुआ है, मानो यहाँ पर आंसुओं की बारिश हो रही है। होगा क्यों नहीं, क्योंकि एक परिवार में जब इस तरह का माहौल होता है तो कहीं ना कहीं इसका दुख आसपास के 500 घरों तक इसका असर होता है। शायद इनके दिल आज अंदर से फट चुका है। क्या नाम है आपका? मनोज। अच्छा, क्या कहे रो रहे हैं आप, कहे रो रहे इतना? हम तो मर गए, अब जवान बेटी हमारे घर में आ गया तो रोना ही पड़ेगा। अच्छा, कौन लगेगी आपकी? भतीजी है। भतीजी लगेगी। प्रिंस की मौत के बारे में आपको क्या कुछ जानकारी, क्योंकि उस दिन शादी का माहौल था, सब लोग बारात में थे, सब बारात में थे। आप भी बारात में? सब बारात में ही थे, यहाँ कोई था ही नहीं। कोई नहीं था, महिला लोग था, उसके हाथ में हथियार था, हथियार से वो छीन लिया, उसको बोला फायरिंग करेगा हम वहाँ पे, वो छीन लिया, उसके लिए उसको मारा। लेडीज लोग था, दो चार सर कुटुम था, वो लोग अपना हथियार छीन के रख लिया। बाद में लड़का वाला ये आरोप लगा रहा है कि मेरे बेटे को आग में जला दिया है, कोई भी बेटी वाला अपने बेटी को अपने आंखों के सामने विधवा होते देखेगा? नहीं, ये सब गलत बात है, सब बेनुआदी बुनियादी बात है, सब वो लोग अपना कुछ भी बोल रहे हैं, ऐसा सब गलत है, सब गलत सब बिल्कुल गलत। अब आपकी जो भतीजी है वो विधवा हो गई है, हो गई, उनके मासूम एक बच्चे भी है, बच्चे कैसे उनका जिंदगी कटेगा, क्या हम लोग उसी लिए सोच रहे, उसके लिए मर रहे, जो जाने वाला था वो तो चला गया, अब इनकी क्या हालत होगी। देखिए उनके चाचा है और ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, तस्वीर आपकी आंखों के सामने है। इस आंगन में जितने भी लोग खड़े हैं, चाहे ये छोटा सा बच्चा हो या बड़े हो या बुजुर्ग हो या फिर इधर जो महिलाएं हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, किसी भी धर्म की महिलाएं जो भी इनके आंगन में शामिल हुई है, सबके आंखें जो है वो नम हो चुकी है, सब गम में डूबा हुआ इस बात को लेकर के प्रिंस की जो प्रिंस जिसकी यहाँ मौत हो जाती है इसी गांव में, बीवी बच्चे और माँ बाप को छोड़कर चले जाते हैं। ससुराल वाले पर एक गंभीर आरोप उनके पिता के द्वारा लगाया गया था, हालांकि यहाँ आने के बाद पता चला कि उनकी पत्नी पहले से जगन्नाथपुर थाना ओपी में एक आवेदन दी थी, उस आवेदन में वो शिकायत की थी कि मेरे पति द्वारा मुझे प्रताड़ित किया जाता है और धारदार हथियार से मुझे जान से मारने की धमकी दी जाती है, लेकिन शायद उससे आहत होकर प्रिंस खुद को आग में जला लिया या क्या कुछ मामला है, यह अनुसंधान की बात है। प्रशासन और पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई के बाद, अनुसंधान के बाद जो भी स्पष्टीकरण होगा, जो भी जांच के बाद कार्रवाई होगी वो की जाएगी। लेकिन फिलहाल जिस मैं भैनी गांव से इसलिए ग्राउंड जीरो पे रिपोर्टिंग के लिए आया था, यहाँ की वास्तु स्थिति का जायजा लेने, यहाँ के हालात का जायजा लेने, यहाँ के बारे में वो घटनाओं के बारे में लोगों से प्रत्यक्षदर्शियों से जानकारी लेने के लिए आए थे। आपने देखा कि एक एक प्रत्यक्षदर्शी क्या कुछ कहा इस तस्वीर में, यहाँ के लोग क्या कुछ कह रहे थे। ये जो परिवार है ये भी बहुत बड़े अमीर नहीं है, बहुत गरीब परिवार है और कहीं ना कहीं इस घर से आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये लड़का है देखिए, जिसका हम लोग काफी देर से इंतजार कर रहे थे, इनका ये हाथ जला हुआ है, ये सच्चाई बताएंगे क्या कुछ हुआ था और यही आग बुझाए थे तो ये बताएंगे। आपका क्या नाम है? आपका आदित्य कुमार मंडल। अच्छा आदित्य जी, जिस समय प्रिंस आग लगाया था, जिस समय घटना हुई थी, आप प्रत्यक्षदर्शी के रूप में वहाँ मौजूद थे? जी नहीं, मैं सोया था, वहाँ से आग लगा गया, जब साउंड हुआ तो मैं बाहर निकला। अच्छा। जैसा ही निकला तो फिलहाल यहाँ तक आ चुके थे, मैं अपना बेड शीट लिए उसको डाले और बाकी दो आदमी था वो भी बेड शीट, मेरा भी बेड शीट लेकर उसको डाला, बुझाया तो बुझाने के बाद आदमी लोग था यहाँ पर, कॉल किया, कॉल करने गाड़ी है, गाड़ी में डाला तो आग लगाते, किसी ने नहीं देखा? जी देखा है, बुझाया आपने? जी देखा, आज देखा है लगाते हुए, मैं फिलहाल सोकर मैं फोन चला रहा था तो साउंड हुआ तो मैं बाहर निकला। अच्छा। बेड शीट लेकर? अच्छा, आप अपने हाथों से आग बुझाए थे? उसका शर्ट का है ना, हाँ। होता है वो जल के इस पर गया। अच्छा, तो आप भी घायल हो गए? जी। अच्छा, उनके पिता द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है कि लड़की वालों ने, ससुराल वालों ने उनको आग जला दिया है, गलत है। जी आप जब आग बुझाए थे तो उनसे बातचीत हुई थी? वो रो रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था, कैसा कर रहा था? चिल्ला रहा था कि बचाओ मुझे। नहीं, चिल्ला बचाओ, जलन हो रहा है, बास मार रहा है, स्मेल आ रहा है। अच्छा, पूरा जल गया मैं। तो क्या नशे की हालत में क्या था?
नशे का वो नहीं जान सकता मैं। अच्छा जी, नशे का आदमी था शायद, हो सकता है जी, कौन थे? अच्छा हाँ हाँ हाँ, इनसे जानकारी ले लेंगे। आप वहाँ थे जिस समय घटना हुई थी, आग प्रिंस आग लगाया था? अच्छा वहीं पर थे। कैसे आग लगाया था, क्या हुआ था? अरे गाड़ी लगे के उठल उतरले खुबरुआ में, दारू पीने रे बहुत, गुस्से में आया गाड़ी लगा, बहुत गुस्सा में ले वहाँ गाड़ी लगे के आ बस सीधा बैठ लगे जा हम यार ताकि के ताकि ता किस क्या सामान ले रखा था? कुछ नहीं रे, खाली गाड़ी ये रहे। अच्छा पेट्रोल तो डाला कुछ? हम ये सब नहीं देख लिए, खाली गाड़ी देख लिए, लगे के कहलिए की है दूल्हा आब गए लाइछे की मतलब बहुत गुस्सा में छे दारू आर पीने से ता तक मतलब नस लल के सलाह। अच्छा जा हम यार चले गए ता हमरा लोग घर पर जा पकड़े चले ले खूबे आग बहुत रहे, अब तक आग तेज होने बहुत तेज भए गए, फिर आप लोग वहां से हट गए? हां हमने तो देख लिया बस बेहोश भए गए। अच्छा तो यही आप सच्चाई है जो आपने देखा? सच्चाई। चलिए ये यही की महिला है जो ये सच्चाई देखी है, वो अपने आंखों से बताई है प्रत्यक्ष दर्शियों के तौर पर। अच्छा स्टार्टिंग से, चलिए अच्छी बात है, जानकारी भी पूरी चाहिए। क्या नाम, नाम क्या है? मेरा नाम बरकू है। अच्छा अच्छा, नहीं ओरिजिनल नाम क्या है? लव मुखिया। लव मुखिया, आप उस समय थे वहाँ मौजूद जब फायरिंग किए थे? जी वहाँ पर मैं थे। अच्छा क्या कुछ हुआ था बताइए? जो डीजे पर डांस करने के बाद क्या हुआ, ऐसे कट्टा निकाले, ऐसे हवा फायरिंग ऐसा नहीं किए, यहाँ से किए। अच्छा वहाँ पर मैं भी खड़ा था साइड में, वो जो कट्टा धाना निकला था यहाँ से निकला, मैं जैसे वो फायरिंग किया तो मैं उसको पकड़ लिए, हम बोला तुम माल निकाल पहले, ठीक है, मैं उसको बंदूक छीनने कोशिश की, इन लोग के भी बताया कि फायरिंग करा बोल के, इन लोग बोला अपना जमात है बोल के छोड़ दिया, हम बोला फायरिंग ही करना है तो उधर खड़ना ना खेत में जाके, बीच में करा इतना आदमी है किसको लग जाएगा तो बिहार बिहार जगह रह जाएंगे, इन लोग बोला ठीक है अपना दमाद है हम छोड़ दिए, हम मारपीट कुछ भी नहीं किए, तो मटकोर के बाद हम भी गाँव गाँव पर चले गए। ठीक है शादी के दिन हम लोग बराती गए, तो सत्ती घाट पहुँचने बाद में कॉल किए गाँव, कोई लड़का बोला क्या फायरिंग हुआ मारपीट हुआ, हम इन लोग के पूछा मारपीट हो रहा है गांव में, तो बोला हमको मालूम चल गया, उनका बड़ा भाई किधर है, उनको पूछा तो उन्होंने रोने लगा, हम बोला क्या करेंगे, इन्होंने बोला मेरे गाड़ी की चाबी दो मैं जा रहा हूँ बोल के, हम बोला आप शादी में आए तो शादी देख के जाना, कल जो होगा देख लेंगे ना, अब आने के बाद क्या हुआ हमको भी मालूम नहीं। फिर शाम में मैं छत पर थे अपने घर पे, कोई बोला आग लग गया घर में, तो मैं छत पर से देखा था आग तो नहीं लगा था, जब लोग दौड़ने लगा तो मैं भी आया यहाँ पे, जब उन्होंने जल चुका था पूरा आग मुझा गया था, उनके पास कपड़ा था पूरा चिपक रहा था और चिल्ला रहा था, मैं उसका कपड़ा मैं खुद खोला। अच्छा ठीक है, वो जलने के बाद वो रो रहा था हमको बचाओ, बोल रहा था गुंजा 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 करके बोल रहा था, विधवा हो जाएगा हमको हॉस्पिटल ले जाओ, जब तक मैं उनको कपड़ा पूरा खोल दिए, फिर वो मतलब जैसे जैसे जलन हो रहा है वैसे वैसे चिल्ला रहा था मुल के मेरा ससुर आग लगा दिया है, हम बोला ससुर आग लगा देगा तो रोड पर आग लगाएगा, खुद आग लगाया तुम, तो उनको मैं भी सब खोल के उसको पंखा उनका हिला रहा था, तो कोई बोला क्या साइड हो जाओ तुम भी फंस सकता है, हम बोला हम गलती का किया है, हम तो उधर से आए हैं, मतलब लोग डर रहे थे, लोग बहुत डर रहे थे क्योंकि गांव में दमाद था गांव का इसलिए आग लगा लेगा, अगर हम तो आदमी डरपोक होता है कोई किसी के पास नहीं जाता, हम बोला एम्बुलेंस को फोन करो चाहे थाना फोन करो इनको ले जाएगा ना तो मर जाएगा, फिर हम यही सच्चाई थी, सच्चाई था, फिर मेरे घर के आदमी आया ले गया हमको, इतना तक बस इतना आपको जानकारी। हाँ चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए, और इससे ज्यादा जानकारी आपको और देंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि मैं भैनी गांव से ग्राउंड जीरो पे था, यहाँ के जो प्रत्यक्षदर्शी है उनसे बातचीत मेरी हुई और आपने पूरा देखा, पूरा रिपोर्ट में क्या कुछ आपको लग रहा था ये आपने देख ही लिया। अब प्रशासन और पुलिस के अनुसंधान की बात है, अनुसंधानकर्ता जो भी आयु होंगे वो अनुसंधान के बाद जो भी जानकारी मिलेगी उस पर कार्रवाई आगे की जाएगी। धन्यवाद।